आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लेक्चर 14 आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत। इससे पहले हमने अजंता केव्स की बात की थी, एलिफेंटा केव्स की बात की थी, आज हम बात करेंगे एलोरा केव्स। अजंता के साथ हमेशा एलोरा नाम लिया जाता है, अजंता एलोरा, भारत के सबसे बड़े रॉक कट टेम्पल्स। यहाँ पे चट्टानों को काट के मूर्तियां बनाई गई हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा। एलोरा से अजंता ज्यादा दूर नहीं है, 100 किलोमीटर की दूरी पे है, टैक्सी लेके आप जा सकते हैं। अजंता पे मैंने एक पूरा लेक्चर कवर किया है, आज हम एलोरा पे कवर करेंगे। टोटल 100 केव्स हैं दोस्तों, बहुत ही बड़ा टेम्पल है ये, आपको अंदर ऑटो करके जाना पड़ेगा, इतना बड़ा है। तो हम आज इसकी बात करेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया हम देख रहे हैं, एलोरा केव्स लेक्चर 14। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल स्टार्ट हो गई है, हर कोर्सेज पे 60% डिस्काउंट है, 16 अगस्त तक वैलिड है, आज ही इन नंबर्स पे कॉल करें, वेबसाइट विजिट करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, ये कल्चरल साइट्स है, हम आगरा फोर्ट का रिव्यू कर चुके हैं, अजंता केव्स जैसा कि मैंने बताया था, दोनों को ही 1983 में वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, अजंता को भी 1983 में और एलोरा को भी 1983 में, दोनों आसपास है। यहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ, देखा इन्होंने, ये तो भारत की धरोहर है, भारत की हजारों साल की संस्कृति को ये दर्शाता है। अरे यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, भारत देखने को मिलता है, इतने धर्म एक साथ चल रहे थे तभी तो भारत में सारे धर्मों का स्वागत है, सारे धर्मों की, सारे धर्म तो नहीं लेकिन बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, उन सब की शुरुआत यहीं से तो हुई थी ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये सब यहाँ पे दर्शाते हैं, दर्शाया गया है पेंटिंग्स के माध्यम से, स्टोन्स के माध्यम से, जिस तरीके से काटा गया है, स्टोरीज यहाँ पे दर्शाई गई है, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों एलोरा केव्स। अगर आपको मौका मिले आप जरूर जाइएगा, बहुत ही खूबसूरत है, औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में वैसे आपको बता दूं वहां पे मिनी ताजमहल भी है, तो वो भी आप जरूर जाइएगा। औरंगजेब भैया औरंगाबाद में छुट्टियां मनाने आते थे, एलोरा में छुट्टियां मनाने आते थे, मुगल्स के लिए एक पिकनिक स्पॉट था, इतना खूबसूरत है। उसके बाद हमने नालंदा यूनिवर्सिटी की, मतलब इसका रिव्यू कर लिया है, फिर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची का रिव्यू कर लिया है, पावागढ़ का रिव्यू कर लिया है, सीएसटी विक्टोरिया टर्मिनस का रिव्यू कर लिया है, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, एलिफेंटा केव्स और हम एलोरा केव्स पे हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अगर हम नेचुरल साइट्स की बात करें तो काजीरंगा, मानस, सुंदरबंस और वेस्टर्न घाट्स, इन सब का रिव्यू कर लिया है। और मिक्स्ड, एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो भारत की, खंजनजंगा, इसका भी रिव्यू कर लिया है, तो आप देख लीजिएगा, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं ये भारत का मैप, ये है महाराष्ट्र, यहां पे है, ठीक है ना, एलोरा केव्स यहां पे है और 100 किलोमीटर दूर पे अजंता केव्स स्थित है। हम यहां पे देखते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था, यहां से सारा ट्रेड होता था, ये सिर्फ हिंदू बुद्धिज्म जैनिज्म इन सब के लिए रहने की जगह या सीखने की जगह नहीं थी, ये ट्रेडिंग सेंटर था, कोई भी यहां से आता था बिल्कुल यहां से होके ही जाता था। तो हम यहां पे देखते हैं कि कमर्शियली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एलोरा, ठीक है ना, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ये आपको याद रखना है, कई बार स्टैटिक जीके में इस तरीके के सवाल पूछे जा चुके हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको 1983 में घोषित किया गया। ये रॉक कट टेम्पल्स है, मतलब यहां पे चट्टानों को काट के, बेसॉल्ट रॉक्स को काट के मंदिर बनाया गया है, ठीक है ना। बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन मॉन्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, तीनों मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, तीनों धर्म आपको मिलेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। टोटल 100 केव्स है, ठीक है, 100 गुफाएं हैं, लेकिन 34 सिर्फ पब्लिक के लिए ओपन की गई हैं, जिसमें से 17 जो है वो हिंदू के लिए हैं, मतलब हिंदू गुफाएं हैं, 12 बुद्धिस्ट और 5 जैन्स की गुफाएं हैं। अभी हम केव्स का डिस्क्रिप्शन लेंगे कि कौन सी केव्स में क्या क्या, और फोटो भी मैंने लगाई हुई है। तो आज हम एलोरा घूम रहे हैं भैया, ठीक है ना, और 600 से 1000 CE कॉमन एरा AD, 600 से 1000 पीरियड तक AD तक इसको बनाया गया, मतलब 400 से 500 साल तक इसको बनाया गया है। अलग अलग डायनेस्टीज आई हैं दोस्तों, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया, पहले ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था कि हिंदू मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स बनाए गए कि जैन मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, लेकिन
कुछ स्कॉलर्स ने बोला कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स पहले बने, कुछ ने बोला जैन में जैन पहले बने, मॉडर्न स्कॉलर्स बोलते हैं कि हिंदू मॉन्यूमेंट्स पहले बने। तो ये डिस्प्यूट है, ठीक है, कि क्या पहले बना, लेकिन जो भी हो यहाँ पे सारे मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि किसने बनाया, तो राष्ट्रकटा डायनेस्टी भैया जो पूरे महाराष्ट्र पे रूल करती थी 600 से लेकर 1000, मतलब 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक, राष्ट्रकटा डायनेस्टी भैया, यहाँ का कैलाश टेम्पल किंग कृष्ण वन जो कि राष्ट्रकटा डायनेस्टी के रूलर थे उन्होंने बनाया था। तो इन्होंने और उसके बाद फिर यादवा डायनेस्टी ने इसको आगे ले गए, ठीक है ना। हालांकि इससे पहले से भी ये जो टेम्पल्स है वो बनते रहे थे, ठीक है, लेकिन राष्ट्रकटा डायनेस्टी ने इसको पूरा कंप्लीट किया और बाद में यादवा डायनेस्टी ने नंबर ऑफ जैन केव्स बनवाए, ठीक है ना। तो ये चीज है, कुछ कालाचुरी डायनेस्टी के भी हमको यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं कि उन्होंने भी काम किया। तो ये चीज है, कहां पे स्थित है, आप औरंगाबाद चले जाइए, वहां से 29 किलोमीटर है, औरंगाबाद में ही है, टैक्सी ले लीजिए या फिर आप शिरडी जाते होंगे मनमाड, ठीक है, या शिरडी से भी आपको, क्योंकि एक्चुअली शिरडी हर कोई जाता है, ठीक है, तो वहां से भी, वहां से 150 किलोमीटर है, तो वहां से भी आप टैक्सी करके जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एलोरा जा रहे हैं तो अजंता भी जरूर जाइएगा, वो 100 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आपका अजंता एलोरा पूरा हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में एलोरा जो है बसा हुआ है, बहुत ही अच्छा नजारा है। मानसून में जाइए, वैसे तो ज्यादातर लोग मना करते हैं कि मानसून में ना ही जाए, लेकिन अगर आप मानसून में जा रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, वनस्पतियां बिल्कुल हरी भरी हो जाती है, और अगर हल्की हल्की बारिश हो गई तो देखने लायक नजारे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, ठीक है, तो आप जरूर जाइएगा। और मुंबई से ये 300 किलोमीटर है और पूरे डेकन रीजन में, भैया डेकन ट्रैप पे ही है ना, देखिए डेकन ट्रैप आपको पता ही है, लावा की परत जमती गई, चट्टानों में कन्वर्ट हो गई, रॉक्स बन गई, जिसको काट के ये टेम्पल बनाया गया, बड़ी ठोस रॉक थी लेकिन इसकी कार्विंग अच्छे से होती है। अब यहाँ पे इसकी कैसे उत्पत्ति हुई, देखिए मैंने आपको बताया था जब अजंता केव्स का रिव्यू कर रहा था कि यहाँ पे जो ब्रिटिश आर्मी थी वो टाइगर हंट पे निकली थी, वही कहानी यहाँ पे भी है, टाइगर हंट पे शेर को मारने के लिए निकली थी और खोज लिया उन्होंने इस केव्स को, ठीक है, ये केव्स उनको दिख गई, और जब ये केव्स उनको दिखी तब उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी चीज उन्होंने खोज ली है, ठीक है। तो यहाँ पे 1819 में इसको लैम लाइट में लाया गया और यहाँ पे ये फिर पब्लिक किया गया। उसके बाद ये मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स है, आप देख लीजिएगा कब कब इसको बनाया गया है। जो अर्लिएस्ट केव्स हैं ऐसा बोला जाता है वो ट्राइकुटास और वकाटका डायनेस्टीज ने बनाए। और अब हम देख लेते हैं केव्स का डिस्क्रिप्शन, एक एक केव्स का डिस्क्रिप्शन तो इतना जरूरी नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट केव्स का डिस्क्रिप्शन जरूर देखेंगे। सबसे पहले तो बुद्धिस्ट केव्स जो कि 1 to 12 है, ठीक है ना, आप जैसे ही जाएंगे 1 से 12 तक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिलेंगी। अक्सर लोग जाते हैं वो, उनको पता नहीं लगता कि कौन से बुद्धिस्ट है, कौन से हिंदू है, कौन सी जैन है, वो सिर्फ मजे लूटने जाते हैं, बिल्कुल जाइए, बहुत अच्छी बात है भैया, जितना हो सके एंजॉय करिए, अच्छा है, ज्यादा पता नहीं रहता, लेकिन जो हिस्टोरियन जाते हैं ठीक है उनको बिल्कुल पता रहता है कि ये बुद्धिस्ट है, ये हिंदू है, ये जैन है, ठीक है। तो अगर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो ये सदर्न साइड्स पे लोकेटेड है, ठीक है ना, सदर्न साइड ऑफ दी एलोरा। उसके बाद हम देखते हैं कि छठी केव सबसे पहले बनाई गई थी, ये अर्लिएस्ट केव्स है, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 12 में से 11 केव्स विहार है, विहार जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे, सीखते थे, विहार मतलब ही होता है ना रहना, तो यानी कि ये मोनेस्ट्रीज हैं और हर मोनेस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा प्रेयर हॉल है। अजंता में मैंने आपको दिखाया था ना, तो हर विहार से कनेक्टेड बहुत बड़ा प्रेयर हॉल है जहां पे परिक्रमा की जाती थी, जहां पे पूजा की जाती थी। सबसे बड़ी बात ये मल्टी स्टोरी है, यानी कि हर स्टोरी में आपको विहार मिलेंगे, जैसे बिल्डिंग्स होती है ना 1, 2, 3, 4, वहां पे कमरे होते हैं होटल्स की बिल्डिंग, 5 स्टोरी 8 स्टोरी और हर फ्लोर पे कमरे बने रहते हैं, ठीक वैसे ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स यहाँ पे आपको विहार मिलेंगे, रूम्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे बुद्धिस्ट रहते होंगे, वो पूजा करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्लीपिंग क्वार्टर्स, किचन्स और अदर रूम्स भी देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं, ये देख लीजिए, ये केव 11 और 12 है, ठीक है ना, एक के ऊपर एक,
आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ना कितने सारे ये रेक्टेंगुलर विहार हैं, और इन सब में अटैच्ड प्रेयर हॉल है, किचन आपको मिलेंगे, सब कुछ यहां पे मिलेगा। 5, 10, 11, 12 बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट केव है, और केव 5 तो बहुत ज्यादा यूनिक है। इसमें आपको एक हॉल मिलेगा जिसमें रिफेक्ट्री ब्रेंचेस सेंटर पे पड़ी हुई है, और बुद्धा स्टैचू भी है एकदम सेंटर पे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1 से लेकर 10 तक ये सब मोनेस्ट्रीज है, ठीक है ना, सारी मोनेस्ट्रीज है। और जो केव 10 है वो विश्वकर्मा केव है, और सबसे मेजर केव है ये, क्योंकि ये प्रेयर हॉल है, ठीक है ना, यहां पे आके सब प्रार्थना करते थे। और केव 11 और मतलब 11वें और 12वें केव्स की बात करें, उन गुफाओं की बात करें, तो ये महायान मोनेस्ट्री केव्स हैं, ठीक है ना, तो ये चीज है। उसके बाद चलिए हम थोड़ी विश्वकर्मा केव की बात करते हैं। ये केव नंबर 10 और सबसे इंपॉर्टेंट केव है, ये चैत्य है, मतलब प्रेयर हॉल है, वर्शिप हॉल है, जिसको हम विश्वकर्मा केव कहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि इसको 650 AD में बनाया गया था, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केव 10 को कारपेंटर्स केव भी बोला जाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं हिंदू मॉन्यूमेंट्स की। केव 13 से लेकर 29 तक 17 केव जो है वो हिंदू मॉन्यूमेंट्स है, मतलब भगवान शिव को डेडिकेटेड है। अब ऐसा बोला जाता है कि ये हिंदू केव्स ये 2 फेजेस में बनाई गई थी, ठीक है ना, ये मिड 6th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी तक 2 फेजेस में बनाई गई थी, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर के जो लेटर केव्स है वो राष्ट्रकटा पीरियड में ही बनाए गए थे, 8th through 10th centuries। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। शुरुआती केव्स 6th सेंचुरी से बनना शुरू हो गई थी, बाद की केव्स, बाद की गुफाएं, ये राष्ट्रकटा पीरियड 8वीं सेंचुरी के बाद बनना जो है वो शुरू हुई थी। इसमें केव 29 बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। ये हिंदू गॉड शिवा को, भगवान शिव को, क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर, तो उनको डेडिकेटेड है। भगवान शिव की यहाँ पे आपको बहुत सारी गुफाएं देखने को मिलेंगी, शिव पार्वती की गुफा देखने को मिलेगी, भगवान शिव की स्टोरी देखने को मिलेगी, डांसिंग शिवा देखने को मिलेगा। मैं आपको केव 29 दिखाई देता हूं, ये देखिए, देखिए आप डांसिंग शिवा, ठीक है ना, भगवान शिव जो है वो डांस कर रहे हैं, और इसका हर एक पोस्चर का एक मतलब है दोस्तों, एक कथा निकलती है, कहानी निकलती है। ये केव 29 का नजारा है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे आपको फॉल भी दिख रही है, वॉटरफॉल देख रहे हैं ना, ये आपको यहां से ऐसा लग रहा है जब आप बिल्कुल ऊपर से खड़े होकर देखेंगे तो काफी नीचे है, और बहुत ही खूबसूरत। आप देख लीजिए पहाड़, बिल्कुल पहाड़ियों से ढका हुआ। वैसे तो एलोरा खुद ही पहाड़ को काट के बनाया गया है, तो टेक्निकली एलोरा भी एक पहाड़ ही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये केव 29 है जो भगवान शिव को डेडिकेट किया गया है। केव 29 को धुमार लेना, डी रुको मैं यहां पे लिख देता हूं, एक मिनट, धुमार लेना, DHUMARLENA, धुमार लेना भी बोला जाता है। और ये सबसे बड़ी केव्स है, केव 29 इज द लार्जेस्ट केव्स, ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और वॉटरफॉल यहां से आपको दिखेगी। उसके बाद केव 21 पे आ जाते हैं, रामेश्वर टेम्पल, ठीक है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रामेश्वर लेना इसको बोलते हैं, ये भी अर्ली एक्सकवेशन है, ठीक है, तो ये चीज है। अब इसका कंस्ट्रक्शन कालाचुरी डायनेस्टी से हम रिलेट कर सकते हैं, कालाचुरी डायनेस्टी ने इस केव 21 को बनाया था, ठीक है ना, तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों ये माता पार्वती को डेडिकेटेड है, और भगवान शिव और पार्वती जी की जो शादी हुई थी वो स्टोरी यहां पे दर्शाई गई है, ठीक है ना, तो एक तरीके से ये शक्तिज्म को डिपिक्ट करता है, ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं केव 16 कैलाश टेम्पल, जो कि अगेन भगवान शिव को डेडिकेटेड है, वो भी आपके देखने को मिलेगा। ये मैंने बिल्कुल, ये देखिए यही है कैलाश टेम्पल है जो बिल्कुल शुरू में आपको दिखाया ना, ये ठीक है ना, तो ये पूरा कैलाश टेम्पल है, माउंट कैलाशा, जो कि भगवान शिव को डेडिकेटेड है, भगवान शिव का ही है वो, ये आपको देखने को मिलेगा। तो सारी कहानियां जो भी भगवान शिव से रिलेटेड है आपको सब देखने को मिलेगी, भगवान शिव, माता पार्वती, उनकी पूरा जीवन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और हिंदुइज्म की टीचिंग्स और बुद्धिज्म और जैनिज्म की टीचिंग भी आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद केव 15 दशावतारा केव जिसको बोला जाता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगी। कुछ और केव्स है दोस्तों, केव 14 जिसको रावण की खाई बोला जाता है, ये बहुत खतरनाक है, आप जाइएगा, एक छोटा सा ब्रिज भी बना है, बहुत ही खूबसूरत है, रावण की खाई और बिल्कुल नीचे खाई है यहाँ पे। केव 22 नीलकंठ केव,
तो हम यहां पे देखते हैं कि 13 से लेकर 29 तक ज्यादातर केव्स भगवान शिव को डेडिकेटेड है, ठीक है। अब हम जैन मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं। जैन मॉन्यूमेंट्स के सिर्फ और सिर्फ 5 केव्स है, 30 से लेकर 34। ये दिगंबर सेक्ट, ठीक है, आपको पता ही है दो सेक्ट होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैनिज्म पे मेरा एक पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। तो ये दिगंबर सेट को डेडिकेटेड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं हिंदू टेम्पल बहुत बड़े बड़े हैं, ये केव्स इतने बड़े नहीं है, ये छोटे केव्स है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको ये केव्स देखने को मिलेंगे। और इन्हीं केव्स में जैन श्राइन्स को भी डिनोट किया गया, जैसे छोटा कैलाश हो गया केव 30। यहाँ पे आपको 4 एक्सकवेशंस मिलेंगे, इंद्रसभा केव 32। इंद्रसभा की मैं आपको फोटो ही दिखा देता हूँ, ये देखिए इंद्रसभा, ये जैनिज्म केव्स है, ये केव 32 है। उसके बाद केव 31, ये एक अनफिनिश्ड 4 पिलर्ड वॉल है, ठीक हॉल है, ये पूरी तरीके से फिनिश नहीं किया जा सका था। और केव 34 जो कि एक छोटी सी केव है, और केव 33। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये चीज आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। तो ये सारे केव्स का डिस्क्रिप्शन था एलोरा में। तो भैया किस बात का इंतजार है, बिल्कुल घूम के आइए। गर्मियों में मत जाइएगा क्योंकि ये पत्थर है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है दोस्तों, ठीक है, हीट ज्यादा रेडिएट होगी, हालत खराब हो जाएगी। हर केव्स का मैंने डिस्क्रिप्शन दे ही दिया है लगभग लगभग। उसके बाद एक और चीज बता दूं कि ये एक और चीज को डिनोट करता है, आप देख सकते हैं ना भारत में कितनी विविधता थी, यहाँ पे सारों धर्मों का स्वागत था, हर धर्म आपको इस मंदिर में देखने को मिलेंगे। ये मंदिर ही तो है ना, रॉक कट टेम्पल, मंदिर ही तो है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म सबके, जिनको भगवान बोला जाता है, यहाँ आपको सब मिलेंगे, ठीक है ना। तो हर कोई यहाँ पे आता है, बहुत लोग एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, एज अ टूरिस्ट आते हैं, बहुत लोग एज अ भक्त आते हैं, पूजा करते हैं, जो भी हो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भारत की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री।